आदिम जनजातियों के लिए सरकार ने पीटीजी डाकिया योजना लागू की है। इसके तहत हर परिवार को उनके घर पर ही 35 किलो चावल हर महीने पहुंचाया जाना है। लेकिन पाकुड़ के आदिम जनजाति पहाड़िया परिवार को 4 महीने से मुख्यमंत्री डाकिया योजना का अनाज नहीं मिल पा रहा है। आदिम जनजाति परिवारों ने अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भूख से आदिम जनजाति की मौत की लगातार खबरें आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आदिम जनजाति परिवारों को प्रति माह 35 किलो अनाज मुफ्त में देने का फैसला किया था। इतना ही नहीं, आदिम जनजातियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डाकिया योजना की भी शुरुआत की गई थी। इसके तहत राज्य सरकार ने आदिम जनजातियों के घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की थी, लेकिन समय के साथ इस योजना की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। अब हालात ऐसे हैं कि आदिम जनजाति पहाड़िया परिवारों को 4 महीने से मुख्यमंत्री डाकिया योजना का अनाज नहीं मिल रहा है। आदिम जनजाति पहाड़िया परिवारों का कहना है कि इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग एक अधिकार को मांग रहे हैं, जो कि 4 महीना से हम लोग को चावल नहीं मिल रहा है, और जो भी हम लोग एमओ साहब से बात कर रहे हैं तो आज देंगे कल देंगे करते हम लोग 3 महीना 4 महीना बिता रहे हैं, और उसका जो चमचा पड़ा हुआ है, जो उसके पीछे जनार्दन सिंह है, वो जनार्दन सिंह जो पहाड़िया लोग का जो हक को छीन करके खा रहा है ना, ये बहुत दिन से कर रहा है इस तरह। और पहाड़िया लोग को आने के बाद धमकी लगा रहा है, माँ बहन लगा बोल करके गाली दे रहे हैं, और वो कोरोना को चावल दे करके बोलता है कि हम पूरा चावल बांट रहे हैं। ये जो है ना धांधली बहुत दिनों से कर रहा है इसने, और ये धांधली पहाड़िया लोग जो है ना अशिक्षित होने के कारण ये लोग कोई जवाब नहीं दे सक रहे हैं, डर रहा है, लाजित से बांच रहा है लोग, इसलिए इसका अच्छी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाए। तो 4 महीना से हम लोग को मतलब चावल जो मिलता था वो नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है ये कैसे हम लोग कहेंगे, लेकिन हम लोग का जो गरीब आदमी है, छोटा छोटा बच्चा है, लेकिन क्या खाएंगे, उसी के भरोसा में हम लोग जी रहे थे कि देगा, ये महीना में देगा, वो महीना में देगा, लेकिन आज तक दे नहीं रहा है। आखिर क्यों नहीं दे रहा है ये तो हम लोग को किससे बोलेंगे ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग जो भाई लोग ये लोग जो आए हैं तो पूछने आए, तो हम लोग यही जो हम बोल रहे हैं कि हम लोग को मिलना चाहिए, ये गरीब अनाज जो मिल रहा था वो हम लोग को मिलना चाहिए, आखिर क्यों अभी नहीं मिल रहा है। तो जो हक है हम लोग वही बोल रहे हैं, और ये मिलना हो देना होगा, अगर नहीं देगा तो हम लोग काट नहीं रखेंगे। अगर इसका हम लोग का हक नहीं है तो काट रख के हम लोग क्या फ़ायदा है, काट आपस ले लीजिए। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि अनाज की आपूर्ति ही कम मिल रही है, जिससे आवंटन में मुश्किल हो रही है। जितना संभव हो रहा है हम लोग उतना आदिम जनजाति पहाड़िया परिवारों को चावल उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। आ रहा है एसआईओ के हिसाब से आवंटन नहीं आ रहा है, तो हालांकि डीएसओ साहब और जिला से कह रहा है, कहा जा रहा है कि दिसंबर तक हमने आवंटन उपलब्ध करा दिया है। कम आवंटन है, जैसे सितंबर, जैसे 1 महीना में 950 क्विंटल चाहिए लगभग, सितंबर में 100 क्विंटल आया, 250 में अक्टूबर में 250 क्विंटल आया, वो जो आया सितंबर अक्टूबर वो हम अगस्त में वितरण किए, क्योंकि अगस्त में कम था, अगस्त में वितरण किए। नवंबर वाला जो आया 650 क्विंटल उसको भी अगस्त में वितरण किए, उसके बाद जो बता 250 क्विंटल उस सितंबर में 700 लगभग परिवारों के बीच बांटा गया। अभी फिलहाल कितने, अभी जो जनवरी का आवंटन 300 क्विंटल दिया है उससे अभी इधर आया है, तो 3 महीने जो शेष रह गया उधर 3 महीने का सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 300 क्विंटल जितना दूर तक बढ़ता है सितंबर का कितना 900 लाख तो क्या सरकार से ही आवंटन कम मिलता है या फिर जिला से कम मिलता है? जिला को जी अब ये तो जिला वाला बताएगा ना, जिला तो डीएसओ बोल रहे हैं, आपूर्ति विभाग बोल रहा है कि हम लोग तो ऑनलाइन दिसंबर तक आवंटन उपलब्ध करा दिए सभी ब्लॉक को। आवंटन चावल देगा तब ना, खाली कागज कलम में देने से ना होगा। कोरोना महामारी के इस दौर में गरीब और लाचार पहाड़िया परिवारों को खाद्यान्न योजना का लाभ न मिलने से इनके समक्ष अब भुखमरी की नौबत आ गई है। ऐसे में सरकार को इन जैसे विलुप्त हो रही जनजातीय परिवारों की सूद लेने की जरूरत है। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक कुमार की रिपोर्ट।